हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्चुअली धनबाद में 5 दिन रुकने के बाद मैं आज फिर रिटर्न कर रहा हूँ चेन्नई को। सो मेरा ट्रेन एक्चुअली 7 बजे है, इसलिए मैं होटल से 6:30 को चेकआउट करके अभी मैं स्टेशन जा रहा हूँ। ये वाला रोड वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड ऑफ धनबाद। सो आज अभी सुबह सुबह टाइम है, इसलिए आपको ट्रैफिक या ज़्यादा गाड़ी नहीं मिलेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम जल्दी ही स्टेशन पहुँच जाएँगे। आफ्टर 10 और 15 मिनट्स हम धनबाद स्टेशन पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो सुबह सुबह ट्रेन स्टेशन में भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अभी ये टॉप व्यू उसका धनबाद स्टेशन का देखिए। धनबाद स्टेशन के बगल में बहुत सारा ग्रीनरी ट्रीज भरे पड़े हैं। सुबह का टाइम है इसीलिए स्टेशन पूरा खाली खाली लग रहा है। जैसे टाइम बढ़ते बढ़ते जाएगा, आदमियों का भीड़ भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। मेरा ट्रेन अभी रांची स्टेशन पहुंच गया है। फिर मैं अभी रांची स्टेशन से मेरे को रांची एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फिर उधर से मैं फ्लाइट पकड़ के चेन्नई चला जाऊंगा। मैं अभी रांची स्टेशन से एग्जिट कर रहा हूँ। जैसे ही आप रांची के स्टेशन से निकलेंगे, उधर एक रेलवे क्वीन बोल के एक मॉडल है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए रांची स्टेशन कितना अच्छा है। मैं अभी रांची स्टेशन से रांची एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। मैं अभी आपको दिखाता हूं रांची स्टेशन का इंटीरियर कैसे डिज़ाइन किया गया है। देखिए अभी रांची एयरपोर्ट में आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने के लिए मिलेगा। सो इंटीरियर वाल वो लोग क्या किए हैं, झारखंड का जितना टूरिस्ट प्लेस है या कुछ कल्चरल फेस्ट है जो भी है, वो लोग उस सब चीज़ को उधर प्रोजेक्ट किए हैं। ये देखिए राम रेखा धाम जो सिमगेड़ा में है। ये देखिए तलैया डैम जो कोडरमा में है। अगर आप झारखंड का देवघर जा रहे हो तो आप उधर बासुकीनाथ टेम्पल देख सकते हो। अगर आप वाटरफॉल झारखंड में देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जन्हा वाटरफॉल जाइए। अगर आपको झारखंड का आर्ट एंड कल्चर देखना है तो कभी भी कोई भी फेस्टिवल में आप आ जाइए झारखंड में, आपको देखने के लिए मिलेगा। टागोर हिल एक अच्छा प्लेस है, आप मस्ट विजिट कीजिए। अगर आप गिरिडीह जा रहे हैं तो यू मस्ट विजिट टू पारसनाथ टेम्पल। झारखंड का एक फेमस पेंटिंग है, उसको सराहिया पेंटिंग बोलते हैं। अगर आप रांची जा रहे हो तो सीताफल जरूर जाइए घूमने के लिए। अगर आप रामगढ़ जा रहे हैं तो रजरप्पा टेंपल जरूर जाइए। अगर आपको टेंपल विजिट करना है तो नौलखा टेंपल जाने के लिए मत भूलिए। अगर आप झारखंड जा रहे हैं तो नौतनगढ़ सिसल बोल के एक अच्छा प्लेस है, जो जरूर घूमने के लिए जाइए। झारखंड में एक सनराइज पॉइंट है और नेत्रहाट में है, वो जरूर घूमने के लिए जाइए। देखिए टंगीनाथ टेंपल जहाँ गुमला में है, वो भी जरूर घूमने के लिए जाइए। अगर आपको नेशनल पार्क जाना है तो उधर एक बेतला नेशनल पार्क है, उधर वो पालामू में है, वो भी जरूर घूमने के लिए जाइए। नेक्स्ट आप वाटरफॉल घूमना है तो हुंडरू वाटरफॉल रांची में है, वो जरूर घूमने के लिए जाइए।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है, आप देखिए इंटीरियर कैसे सजाया गया है। एयरपोर्ट के अंदर में खादी निकेतन बोल के एक स्टोर है, उधर बापूजी का स्टेचू लगा है, देखिए इधर का। मैं अभी लाइन में मेरे फ्लाइट के अंदर जा रहा हूँ। फ्लाइट अभी टेकअप कर चुकी है, टॉप व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्लाइट अभी ऊपर जा चुकी है, देखिए बादल ऊपर में कितना अच्छा दिख रहे हैं। फ्लाइट अभी चेन्नई के आसपास पहुंच गई है, इसलिए आपको पानी पानी दिखेगा नीचे। इधर आप चेन्नई सिटी का टॉप व्यू देख सकते हो, देखिए इधर बहुत सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है टॉप व्यू से। अभी फ्लाइट चेन्नई एयरपोर्ट में लैंड करने जा रही है। फ्लाइट चेन्नई एयरपोर्ट में लैंड कर चुकी है, देखिए कितना स्पीड में वो लैंड कर रही है। मैं अभी फ्लाइट से उतर के चेन्नई एयरपोर्ट में एग्जिट कर रहा हूँ।
देखिए एग्जिट में कितना अच्छा दिख रहा है चेन्नई एयरपोर्ट।